नोट बैन के बाद कई समस्याओं में उलझी मोदी सरकार के लिए राहत भरी खबर आई है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर घटकर 3.39% पर आ गई थी, जबकि सितंबर में 3.57% थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर के दौरान खाने पीने की चीजों की दर में कमी आई है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि इस गिरावट के साथ ही महंगाई का बीते 13 महीनों का न्यूनतम स्तर माना जा रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में 5.05% रही थी, जबकि ये पिछले साल सितंबर में 4.41% थी। महंगाई दर कम होने से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में RBI द्वारा ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ओर जहां देश में महंगाई में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर नोटबंदी के बाद बैंकों में भारी मात्रा में नकदी जमा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।